जी हाँ, रिश्वत वाले, घूस वाले अस्पताल, वो भी सरकारी अस्पताल। दिल्ली से महज 60 किलोमीटर दूर हापुड़ के एक सरकारी अस्पताल में जाति पूछकर इलाज करने और पैसे मांगने का मामला सामने आया। वहीं बलरामपुर के पचपेड़वा सीएससी में महिलाओं के हक पर डाका डाला जा रहा है। यहां आने वाले मरीजों से जमकर वसूली की जा रही है। एक रिपोर्ट के जरिए ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं धरती के भगवान? अस्पताल में रिश्वत लेने का वीडियो वायरल। जांच पूछकर किया जाता है इलाज। बलरामपुर में भी महिलाओं से वसूली। सरकारी सुविधाओं के लिए चुकाने पड़ रहे हैं पैसे। डिलीवरी के कुछ घंटे बाद ही कर देते हैं डिस्चार्ज। देश की राजधानी दिल्ली से महज 60 किलोमीटर दूर है हापुड़। यहाँ के राजकीय चिकित्सालय पिलखुआ में डॉक्टरी पेशे को शर्मसार करने का मामला सामने आया। यहाँ एक फार्मासिस्ट द्वारा पैसे लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में फार्मासिस्ट मरीज से पैसे लेते हुए साफ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को बनाने वाले मरीज को खोज कर पड़ताल की गई तो चौंकाने वाला सच सामने आया। मरीज ने बताया कि फार्मासिस्ट ने इंजेक्शन लगाने से पहले जाति पूछी। यही नहीं, फार्मासिस्ट ने उससे 200 रुपये भी लिए। मैं कुत्ता ने काट लिया था, मैं इनके पास गया अस्पताल में। पैसा ऐसा खर्चा कर लो थोड़ा बहुत, बिना फार्म भरे काम हो जाएगा, तुम्हारा इंजेक्शन लग जाएगा। आज इंजेक्शन लगा दिया इन्होंने, फिर इंजेक्शन लगाने के बाद में पैसा मांगे इन्होंने मुझसे। पैसा मैं बोला मेरे पास तो है नहीं। ये बोले आगे को आना था, पैसा लेकर आना, तुम्हारा इंजेक्शन वैसे लगवा दूंगा, बिना फार्म के कुछ खर्चा होएगा। 200 रुपये लिए थे, या जाति बिरादरी पूछी थी। यही नहीं, फार्मासिस्ट ने मरीज को खड़े खड़े ही इंजेक्शन लगा दिया और मरीज दर्द से चिल्लाता रहा। वहीं अस्पताल के प्रभारी ने कहा कि उनके यहाँ जाति पूछकर इलाज नहीं किया जाता। उन्होंने पैसे लेने की बात से भी इनकार किया। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि जाति हम पूछेंगे, ठीक है, और सरकार के निर्देशानुसार हम काम कर रहे हैं। और अगर ऐसी कोई बात हुई है, मेरे लिखित में अगर मामला संज्ञान में आएगा तो हम डेफिनेटली कार्यवाही करेंगे। जैसे ही मेरा मामला संज्ञान में आएगा मैं तुरंत एक्शन लूंगा। वहीं बलरामपुर के अस्पताल में भी मरीजों से वसूली का मामला सामने आया। पचपेड़वा क्षेत्र में सीएससी सेंटर को ग्रामीणों के मुफ्त इलाज के लिए बनाया गया था, लेकिन सीएससी प्रभारी सरकारी अस्पताल को भी प्राइवेट क्लिनिक की तरह चलाते हैं। यहां जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत महिलाओं के लिए भरपूर मात्रा में दूध, नाश्ता और खाना दिया जाता है, लेकिन हाल ये है कि सारी सुविधाओं के लिए पैसे चुकाने पड़ते हैं। यहाँ सभी चीजों के रेट भी तय हैं, जैसे डिलीवरी के लिए 500 से 800 रुपये, सफाई के लिए 200 और एम्बुलेंस के लिए 100 रुपया। 400 रुपया लेंगे कोने हिसाब से? 400 नहीं पाओ कोने, हम झगड़ा करे लागत है भैया। कहने कहे कि बाओ इतना तो ये से भी हम तुम ना ही माना है। हां तो हम कहन की बाजी से हमरा ये कोनो भरे दौरानी हो कि हमरे सब अलग अलग हम तो कहीं तो गांव कहीं तो आवे पर है आए तो हम कहन के आदमी ना है हां हमने इतने ले दियो ना है मानी। फिर जो 250 से 300 350 से अगर 50 रहे तो हमरे चाह के लिए भी ना है मानी है। 50 रुपए चाय पीने के लिए भी नहीं मिली? हाँ, कहीं नहीं किन्ने बोले चाय पी ली दो जनी रहा ना माने 4 से पूरे थे। बिना सुविधा शुल्क लिए स्वास्थ्य कर्मी टीकाकरण भी नहीं करते। सबसे शर्मनाक है कि खाना, नाश्ता और दूसरे खर्च बचाने के लिए डॉक्टर डिलीवरी के कुछ घंटे बाद ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर देते हैं। इस संबंध में जब सीएससी अधीक्षक डॉक्टर मिथिलेश से बात की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हाँ, ये शिकायत एक बार पहले भी आई है और आज आप भी बता रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं भी एमओआईसी से बात करता हूँ। अगर लिया जा रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है और उसके लिए जांच करा के कार्रवाई करें। और प्रसव करवाने वाली महिलाओं को जो है 2 ही घंटों में छोड़ दिया जाता है, ये भी प्रकरण एक बार पहले आया था। मैंने इसी पॉइंट पे वहाँ के स्टाफ नर्सेज की 5 दिन की तनख्वाह मैंने काट दी थी जी, क्योंकि मैं देखने गया था और उस समय मेरी छुट्टी कर दिए गए थे। अगर ये फिर मिलता है तो मैं इसके खिलाफ एक्शन लूंगा।
डॉक्टर और कर्मचारी गरीबों के हक पर डाका ही नहीं डाल रहे बल्कि उनकी संवेदनहीनता भी झलक रही है। वो मरीज से ज्यादा पैसे को अहमियत दे रहे हैं। कुछ लोगों की वजह से एक ऐसा पेशा जो सवालों के घेरे में है, इसे लोग बहुत सम्मान से देखते हैं। हापुड़ से अवनीश पाल, बलरामपुर से ओमकार तिवारी, आरना टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।